नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्वामी पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हाउ टू मेक मैप ऑफ इंडिया इजीली, यानी कि भारत का नक्शा आसानी से किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम कर रहे थे पिछली वीडियो में ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में अब आगे जितनी भी वीडियो आएगी, जितने भी टॉपिक होंगे, वो होंगे हमारे मैप से रिलेटेड। तो इसलिए आपको एक अच्छा मैप बनाना जरूर आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक अच्छा मैप किस तरह से बना सकते हैं। तो एक अच्छा मैप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक अच्छा मैप बनाने के लिए आपको करना होगा इस तरह से लाइंस को ड्रॉ। और दूसरा काम आपको करना होगा कि आप जो इंडिया का मैप है, भारत का जो नक्शा है, वो अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। क्योंकि जब आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि जो इंडिया का मैप है वो कहाँ से कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, तो आप उस मैप को ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप देखें कि भारत का नक्शा किस तरफ से किस तरह का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो, यहाँ से यानी कि पश्चिम साइड से भी कर सकते हो, पूर्व साइड से भी कर सकते हो, और दक्षिण साइड से भी कर सकते हो। बस सर यही है कि आपको मतलब आपके दिमाग में जो मैप है उसकी तस्वीर होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं ऊपर से। तो आइए मेरे पीछे पीछे और देखते हैं किस तरह का एक मैप हम तैयार कर पाते हैं। तो चलिए मेरा साथ दीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो ये लाइंस है इनको ये टच करती ही चले, ये इससे बाहर भी हो सकता है, इससे कुछ अंदर भी हो सकता है। जैसे कि ये अंदर है, कुछ यहाँ से बाहर भी निकल सकता है। तो आपको बस इस तरह से करते जाना है कि भारत का मैप किस हिसाब से है उसी हिसाब से आपको चलना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ से दोबारा से चलते हैं और कुछ इस तरह से हमारा मैप है। और ये हमने इसे भी नीचे ले आए। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड लगभग तैयार सा हो गया है। चलिए आगे करते हैं, देखते हैं। यहां से उभरा हुआ भाग है इंडिया के मैप में, आप देखना ध्यान से। तो आपको ये उभरा हुआ भाग जरूर बनाना है। उसके बाद में जब हम सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में पहुंचते हैं, तो गुजरात में जो कच्छ का रण है, कच्छ की खाड़ी है, और ऐसा कुछ है इसे हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी, यहां पर हमने बना दी है और ये तैयार हो चुका है गुजरात तक। अब हम चलते हैं आगे। इस तरह से यहाँ पर नेपाल हमने तैयार कर दिया है, यहाँ सिक्किम है तो इसे ऊंचा उठा देते हैं थोड़ा, और यहाँ पर भूटान है, भूटान को हमने बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, वो कुछ उठा हुआ भाग है भारत का। और फिर से हम यहाँ पे घुसते हैं और नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो ये कुछ सेवन सिस्टर वाला हिस्सा है, वो कुछ हद तक बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमारा जो एक देश है बांग्लादेश, वो पड़ता है। तो उसका कुछ कुछ जो ड्रॉ है वो भारत जैसा ही है। तो ये बनकर तैयार हो गया हमारा सेवन सिस्टर वाला हिस्सा। और अब हम इसे इजीली नीचे मिला देते हैं और यहां से इसे भी नीचे की ओर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं।
और इसके नीचे क्या है, श्रीलंका जो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब तक हम श्रीलंका नहीं बनाते हैं तो भारत का जो मैप है वो आधा अधूरा सा ही लगता है। तो ये हो चुका है मैप तैयार। अब हम इन लाइनों को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, तो फिर हम देखते हैं किस तरह से हमारा मैप निकल कर सामने आता है। मैं हाथ से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर डस्टर यूज करूंगा तो भारत का मैप है ये भी खराब हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने और आपने मिलकर एक अच्छा मैप तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बताएं कि मैप कैसा बना है। अगर मैप आपको अच्छा लगा हो तो मैप के बारे में कुछ अच्छा लिख दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबा लें बेल आइकन को, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।